संगीता किचन से मैं आपका फिर से स्वागत है। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और अभी समर का मतलब अभी बहुत टेम्परेचर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब हाई चल रहा है। तो ये समय है आपको उड़द की बड़ी, चने की बड़ी, उदौड़ी, फुलौड़ी, जितना भी जो आप मतलब बरसात के पहले जितना भी बड़ी वगैरह बनाने का ये अच्छा सीजन है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ उड़द का बड़ी बनाना। जैसे मैंने ये देखिए उड़द का मसालेदार बड़ी बनाना, ठीक है। तो मैंने एक कप बड़ा वाला कप से एक कप उड़द को 5-6 घंटे 7 घंटे भिगो करके उसको छान लिया है, छान करके और इसको फिर मैंने मिक्सी में इसको पीसा है, पीस का इसको दरदरा पीसना है आपको। ये आप एकदम महीन मत पीसिएगा और इस टाइप का आपका कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि ऐसे डालने पर ऐसे ये हो, ये नीचे गिर जाए और बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अगर कोई भी बड़ी पाड़िएगा तो वो सट जाएगा और फिर उसको निकालिएगा तो टूट जाएगा। इसके लिए हमको मसाला चाहिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये मेरे कैमरे के व्यू में। ये 5-6 लाल मिर्च पाउडर, 1 कप उड़द की दाल में सूखा हुआ 1 कप उड़द की दाल को मैंने फुलाया, उसको सोक किया 5-6 घंटा 7 घंटा और उसको फिर मैंने पीस लिया दरदरा। उसमें चाहिए मुझे सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, ठीक है, और 5-6 लाल मिर्च, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून खड़ा धनिया और थोड़ा सा हींग। ये मसाला को मैंने रोस्ट किया है, आपको हल्का ही रोस्ट करना है, ठीक है, और ये हींग आपको 1/2 चम्मच हींग डालना है। तो ये कढ़ाई पूरा गर्म हो जाना चाहिए। ये कढ़ाई को मैं, ये गर्म हो गया बहुत, आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, जिसका कलर उसका चेंज हो जाए, बस इसका नमी निकाल देना है आपको थोड़ा सा। इसमें कच्चा मसाला ऐसे भी आप सुखा के धूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कच्चा मसाला का थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें खड़ी बड़ी वाली इलायची भी डाल सकते हैं। मैं उसको गरम मसाला को मैं बाद में उसको ऐड करूंगी, अभी मैं ये जो इसमें पड़ेगा उसमें मैं बता रही हूँ। आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया, आप मिक्सी में, मैं ऐसे मिक्सी में ये हो गया, इसको मेरे को प्लेट में निकाल देना है। प्लेट में निकाल दिया और ये खल मूसल में इसको दरदरा कूट लेना है। आप मिक्सी में अगर कूटिएगा तो थोड़ा सा आप, हो सकता है एक राउंड और चल जाए तो वो महीन बारीक पीस जाएगा, तो वो आपको टेस्ट नहीं देगा जो आप इस पर जो आप कूट करके आप डालेंगे सौंफ और धनिया मिर्चा टुकड़ा टुकड़ा, मतलब कि ये बहुत ही स्वाद आपको अच्छा देगा। मिक्सी में पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं इस ये खल में कूट करके, बस 4 टुकड़ा हो जाना चाहिए। काली मिर्च भी आपको जो मतलब मोटा दरदरा पीसा हुआ रहता है वही फ्लेवर देगा, अच्छा फ्लेवर देगा। तो मैं कूट रही हूँ और ये आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी सीजन में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगी एक उड़द की दूसरी रेसिपी, मतलब बड़ी का। ये एक मसाला बड़ी हो गया, इसको उड़द मसाला बड़ी कहते हैं। एक उड़द कुमड़ा बड़ी होता है, एक उड़द मटर बड़ी होता है,
आपके अगर बड़ी में आपके ये जो दड़दड़ा जो इस टाइप का पीसा हुआ रहता है, ये आपको देखिए ये इस टाइप का हो जाना चाहिए। ये बहुत ही खुरदुरा, आप देखेंगे रेडीमेड जो भी पंजाबी मसाले होते हैं वो इसी टाइप का होते हैं, एकदम दड़दड़ा। किसी का हाफ कोई मसाला का और कोई का 1/4, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने बाउल लेना है, एक मैंने ये बाउल लिया। थोड़ा सा मैं चूँकि सेल्फ मैं मेरा कैमरा भी हैंडल करती हूँ और शूट भी करती हूँ, तो व्यूअर्स थोड़ा सा इधर इधर हो जाए तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा कि ये परफेक्ट नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ और कोई सेटिंग कैमरा का नहीं लगाया है, तो जिधर से भी मिले मैं फ्री होती हूँ तो कुछ बनाने का मन करता है तो मैं दर्शकों से शेयर करती हूँ। ये इसको मैंने बाउल में ले लिया और बाउल में लेने के बाद आपको ये मसाला डालना है, ठीक है। ये सारे मसाले डाल दें, ये मसालेदार बड़ी हो गई है, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा कलर के लिए आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा, ठीक है ना। और ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है। अब इसको लगभग 45 लगभग 30 मिनट तक आपको इसको फेंटना है। आप जब तक इसको नहीं बहुत फेंटिएगा ये बड़ी आपका अच्छा नहीं बनेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको लगातार फेंटना है। देखिए इस ये लगभग आधा घंटा में लगातार आप फेंटिएगा, हाथ से फेंटते 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 फेंटते। एक पानी का कटोरा लेंगे और उसमें इसको डालेंगे, ये डो को हम डालेंगे तो ऊपर आ जाना चाहिए, वो ऊपर तैरता रहना चाहिए, तब आप समझिएगा कि मेरा बड़ी मतलब ये जो डो है एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तब उसका थाली में या जिस चीज़ पर भी आप अगर धूप में सुखाना चाहें, जिस तरह का साइज में, छोटे छोटे बड़े तो बड़े, अभी ये नहीं आएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, अभी मैंने इतना चलाया है 5 मिनट, इसको मैंने ऐसे डाला तो लेकिन ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब मैंने उतना चलाया भी नहीं लेकिन ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है ना मिक्सी में मैंने थोड़ा सा इसको चलाया है जिससे ये हल्का हो गया है। तो अगर इस टाइप में थोड़ा सा भी और मेहनत हमको करना है, पानी थोड़ा सा और देंगे और इसको अभी और इसको चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहेंगे, इसको एक ही डायरेक्शन में, तो ये धीरे 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 ये हल्का होते जाएगा। अब ऐसे भी देखते हैं उड़द की बड़ी, जैसे कोई भी दही बड़ा बनाने के उड़द को दादी नानी मामी जितना भी फेस्टिवल में बैठ के कठौती में फेंटते रहती थी जब मैं हम लोग बच्चे थे, तो सबसे बोरिंग काम यही लगता था कि दादी माँ को बैठा दो पुआ बनाने में, धीरे 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 वो बनाते जाएगी फेंटते जाएगी। तो ये तो बहुत ही मतलब ये आजकल का सिंगल फैमिली का प्रचलन है, लेकिन जब फेस्टिवल में आपको बहुत काम आ जाता है और सब काम आपको करना ही पड़ता है खुद ही, और बाई तो बाई ही होती है आजकल की, तो आपको वो ज्वाइंट फैमिली का सीन आपको बहुत ही याद आएगा, अन्यास ही बहुत आएगा और बहुत ही मिस कीजिएगा कि चाची का सब का काम बांटा हो रहता था, चाची जी मम्मी बुआ सबको इकट्ठे एक साथ हो जाते थे और कोई भी फेस्टिवल में काम बांट लेते थे और सब कोई आराम से उसको करते थे। तो ये सब तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई, अब तो लोग सिंगल ही रहना पसंद करते हैं,
लेकिन फेस्टिवल भी मनाना है, डिश भी खाना है, बड़ी भी खाना है और अच्छे अच्छे खाना है, तो मार्केट में तो आपका इतना प्योर नहीं मिलेगा आपको किसी भी कीमत पर। इसमें चावल का आटा या कुछ मिला देते हैं वो ही आपको मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल और प्योर खाना है तो आपको तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो रेडीमेड आप जाइए मॉल में, लेकिन किसी भी कहीं भी आपको इतना प्योर आपको घर का बना हुआ बड़ी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे व्यूअर्स, मैं भाषण तो दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखिए पानी डाल करके लगभग 5 मिनट हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट या आधा घंटा, तो वो बहुत हो गया। मैंने अभी इसको देखा तो ये अच्छा मात्रा में हल्का हो गया है, हो रहा है। मैं इसको फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ, देखिए ये पानी वही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको डालती हूँ। देखिए पहले पानी के लेवल को के ऊपर ही ये आ गया, तो ये तैर रहा है। तैर रहा है का मतलब ये हल्का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ी आप बनाएंगे तो कड़ा नहीं रहेगा, ये पानी डालते ही और घुल जाएगा, एकदम पक जाएगा। मैं एक बार और इसमें जोर लगाती हूँ। और कुछ नहीं करना है, ये तो मेरा तैयार हो गया है। अब ये देखिए ये ऊपर आ गया, आप ये देखिए पानी के ये ऊपर ये तैर रहा है। ये पानी में नीचे अगर आप बड़ी ऐसे ही मिक्सी में डाल करके मसाला वगैरह डाल के निकाल के आप डायरेक्ट अगर उसको किसी भी चीज़ में तेल में अगर फ्राई कर रही हैं तो वो बैठ जाएगा। अगर वो बैठ गया तो वैसा का कोई चीज़ मत बनाइए आप, मतलब कि ये देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये इसको एक कप उड़द की दाल को मैंने फुलाया है 5-6 घंटा और उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। उसमें सूखी हुई लाल मिर्च, सौंफ, काली मिर्च, ठीक है, और सौंफ, काली मिर्च, सौंफ, हल्दी, ये सब मिला करके रोस्ट कर लिया, और धनिया, सौंफ, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, इसे मिला करके रोस्ट कर लिया, और हींग मिलाकर, मैं भूल ही गई थी, हींग मिला करके डाल, हींग मिला करके इसको फेट 10 मिनट फेटना है। और जब पानी में डालना है और बड़ी जब ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि मेरा बड़ी तैयार है इसको धूप डालने के लिए और धूप में सुखाने के लिए। इस तरह की थाली में ब्रशिंग कीजिए और डालिए इसको सुखाने के लिए, डालिए। देखिए मैंने एक कप में मेरी थाली लगभग भर गई, थोड़ी देर में ये शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो मैं इसको अलग अलग शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए ये मैं अब जा रही हूँ इसको धूप में रखने, और 3-4 दिन धूप में रखूँगी, उलट पुलट के इसको सुखाऊँगी और सालों भर स्टोर करूँगी और मसालेदार उड़द की बड़ी का मज़ा लूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।